अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के ओएस डॉट पी के में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट बी ओ क्यू सीरीज लेक्चर नंबर 5 है और बी ओ क्यू आइटम नंबर D1 टर्माइट प्रूफिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों अपने बी ओ क्यू के ऊपर, ठीक है, और आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इससे पहले हमने क्लीनिंग ऑफ जंगल, इसकी सारी हमने स्पेसिफिकेशन भी आपके साथ शेयर की थी, क्वान्टिटीज आपके साथ शेयर की, रेट एंड एसेज आपके साथ शेयर कर चुके हैं, एसेज डिमोलिशिंग वर्क, एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है हमने डिमोलिशिंग वर्क किया था वो भी उसकी क्वांटिटीज, ऐसे रेट एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर किए थे, एक्सवेशन वर्क की क्वांटिटीज आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए और आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो आप इनको पहले ज़रूर देख लें। इससे पहले वाले लेक्चर जो 4 हमारे लेक्चर गुजर चुके हैं मास्टर प्रोजेक्ट के, आप उन लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें इंशाल्लाह, ताकि आने वाले जितने लेक्चर होंगे या ये वाला जो लेक्चर होगा उसको आपकी अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर एक उसके बाद एक्सवेशन की वाली क्वांटिटीज हमने कर ली थी, उसके बाद आ रही थी बैक फिलिंग की, ठीक है। एटम बनती है बैक फिलिंग अंडर फ्लोर एंड फाउंडेशन, लेकिन अभी मैंने इस बैक फिलिंग वाली एटम को पेंडिंग करना है। उसकी वजह क्या है कि जब हम डीपीसी लेवल के ऊपर जाएंगे तो उस वक्त हमारी स्टेप फाउंडेशन अच्छी तरह से हो जाएंगी, कॉलम वगैरह की हमने क्वांटिटी निकाली होंगी, प्लेन बीम की क्वांटिटी वगैरह हमने निकाली होंगी, तो उस वक्त उसके बाद जब हम बैक फिलिंग वाली आइटम को करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी हमें जल्दी समझ आएगी, क्योंकि हमें नीचे वाली बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमारे पास पड़ी होंगी, तो हमने क्या करना है कि उनको यूज़ करते हुए हमने वहाँ से बैक फिलिंग की क्वांटिटी निकाल लेनी है, उस तरह हमें समझ भी अच्छी तरह। इसलिए मैं यहाँ पर इसको अभी पेंडिंग कर रहा हूँ, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये वाली आइटम हम इंशाल्लाह जो है वो डीपीसी लेवल पर जब जाएंगे तो उस वक्त इस आइटम को, इसकी मेजर मशीन उस वक्त हम बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं जी हम उससे नेक्स्ट आइटम के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर इसका हेड बना लिया जी, डी टर्माइट प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग। तो इस हेड के अंदर हमने क्या करना है, टर्माइट प्रूफिंग मतलब जितनी क्वान्टिटी होंगी वो निकालेंगे, वाटर प्रूफिंग का जितना काम होगा इसके अंदर वो हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जैसे कि टर्माइट प्रूफिंग का आपके सामने आइटम मैंने पहले से यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिख दिया, मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। अब देखिए यहाँ पर आइटम है प्रोवाइडिंग एंड कैरिंग आउट टर्माइट प्रूफिंग यूजिंग बाईफ्लेक्स फैप्रोकिल आर इन अप्रूव्ड इक्विवेलेंट एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, द वर्क शैल बी कैरिड आउट बाई एन अप्रूव्ड स्पेशलिस्ट सब कंट्रेक्टर हु विल प्रोवाइड 10 ईयर वारंटी कम्प्लीट इन आर स्पेक्ट एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पर यह क्या टर्माइट प्रूफिंग की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अच्छा, टर्माइट प्रूफिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, टर्माइट प्रूफिंग कहते हैं यानी कि एक ऐसा केमिकल की ट्रीटमेंट होती है जिसको करते हैं, उसके बाद ये दीमक वगैरह जो कीड़े वगैरह होते हैं जो कि हमारी फर्नीचर वगैरह को, इसी तरह जो चुकाटे वगैरह होती है, दरवाजे वगैरह होते हैं, इनको वो अंदर अंदर से खाते रहते हैं, और फिर इस तरह 4-5 साल 10 साल गुजरते हैं तो बिल्कुल चुकाटे वगैरह ख़त्म हो जाए। आपने अक्सर घरों के अंदर देखा होगा कि अंदर से खोखली हो जाती है, तो वो बेसिकली उनको दीमक ने खाया होता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये केमिकल करते हैं। अच्छा, ये केमिकल किस किस स्टेज पर करते हैं, मैं आपके साथ इमेज शेयर कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर आपके सामने फाउंडेशन की फाउंडेशन हुई है, एक्सवेशन हो के उसके एक्सवेशन के फौरन बाद जो है वो टर्माइट प्रूफिंग करेंगे आप, उसका वो केमिकल तैयार करके पानी के साथ मिक्स करके फाउंडेशन की बुनियादों के यानी कि बेस के ऊपर भी, बॉटम के ऊपर भी करेंगे, ऐसे साइड्स के ऊपर भी ये जो कंप्लीट इसको किया जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर साथ ही मैंने दूसरी एक और इमेज लगाई है जो कि हमारे फर्श पड़ने होते हैं, जब फ्लोरिंग होती है उससे पहले जब हम कच्चा वगैरह करते हैं, ब्रिक ब्लास्ट वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद कंक्रीट करने से पहले, फ्लोरिंग करने से पहले भी इसका स्प्रे मुकम्मल स्प्रे किया जाएगा, ताकि कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ से दीमक के आने का जो है वो हमें कोई खतरा हो, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली ये टर्माइट प्रूफिंग की जाती है, इसको कहते हैं टर्माइट प्रूफिंग, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ सिविल वर्क के ऊपर। अब इसके अंदर इसने बता दिया जैसे बाईफ्लेक्स है, फैप्रोकिल है, अब ये जितनी चीज़ें हैं, अब इसकी मज़ीद डिटेल वो जब हम रेट एनालिसिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ इमेज शेयर की जाएंगी मुकम्मल डिटेल के साथ, बाईफ्लेक्स वगैरह की इमेज, उनके क्या परसेंटेज क्या होगी, किस कीमत में वो हमारे पास आती हैं, और कैसे कैसे उनके रेट हैं, वो सारे रेट एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो, यहाँ पर जस्ट हम सिर्फ क्वान्टिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं जी इसकी अब क्वान्टिटीज कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर इसका यूनिट या तो स्क्वायर मीटर में होगा या तो स्क्वायर फीट के अंदर होगा, क्योंकि हम जो है वो इस बार सारा व्यू क्यों हमारा स्क्वायर फीट के अंदर हो रहा है, तो हम स्क्वायर फीट के अंदर इसकी डायमेंशन लेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये दो चीज़ें जहन में रखने वाली हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इस आइटम के अंदर लिखा होता है कि यानी कि जो मेजरमेंट्स होगी वो कवर्ड एरिया के हिसाब से होगी, ठीक है। तो उस वक्त हमने क्या करना होगा, जब मेंशन कर दिया जाएगा कि भाई यानी कि कवर्ड एरिया बिल्डिंग के कवर्ड एरिया के हिसाब से आपको रेट पे किया जाएगा, तो आपने क्या करना है फिर, यानी कि हमारे पास बिल्डिंग थी, जैसे कि मैं आपके सामने ये ओपन करता हूँ, जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये इसका प्लान था मास्टर प्रोजेक्ट का।
अब इसका जितना कवर्ड एरिया, मतलब जैसे मैं कहता हूँ ये 60 फीट लेंथ है इसकी और 20 फीट इसकी जो है विड्थ है, ठीक है, यानी 1200-1300 के करीब तो कवर्ड एरिया बनता, मैं कहता हूँ 1200-1300 के करीब इसका कवर्ड एरिया। तब हमने क्या करना है, तब हमने सिंपल जो है वो इसकी मेजरमेंट्स में सिर्फ कवर्ड एरिया जो है वो डालना होगा, ठीक है। अच्छा, जबकि अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कवर्ड एरिया, इसका मतलब ये है कि हम उसको जिस जिस जगह पर स्प्रे होना है फाउंडेशन के बॉटम पे, उस साइड्स के ऊपर, सीधा फ्लोर के नीचे जितना होगा वो सबको मुकम्मल क्वांटिटी जो है वो हम निकालेंगे और वो उसके अंदर जो है वो हम डाल देंगे। तो अभी क्योंकि हमने जितनी हमारी स्प्रे जिस जिस जगह पर होना सबकी मेजरमेंट लेंगे, तो वो आपके साथ वो शीट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आते हैं अपनी मेजरमेंट शीट के ऊपर। यहाँ पे मैंने पहले से जो है टर्माइट प्रूफिंग की शीट बनाई हुई है ताकि हमारा ज़्यादा कम से कम जो है टाइम बिल्डिंग के ऊपर लगे। इससे पहले जैसे क्लीनिंग ऑफ जंगल, डिमालचिंग, ये सारी हमने की थी, इसको हम अभी से जो है वो हाइड कर देते हैं ताकि अब हमें पता हो कि हम किस काम पर हैं। इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ थी हमारे पास फाउंडेशन की, जो एक्सवेशन की, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इससे पहले एक्सवेशन के अंदर, कि ये हमारी एक्सवेशन हुई है। अब इसी की जगह हमने क्या करना है, इसी के ऊपर हमने टर्माइट प्रूफिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं टर्माइट प्रूफिंग शीट के ऊपर। मैं यहाँ से इसको जो है वो जूम इन कर लेता हूँ। अब इस यहाँ पर जो है वो जैसे कि एक्टिविटी के अंदर मैंने लिख दिया जी टर्माइट प्रूफिंग और रेफरेंस आइटम नंबर D1, ये आपके सामने जो है वो D1, ठीक है, D1 ये मैंने इसके अंदर लिख दिया जी, ये रेफरेंस आइटम नंबर D1 है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे मैंने लिखा जी टर्माइट प्रूफिंग फाउंडेशन लेआउट, मैंने इसको असल में फाउंडेशन जो हमारे पास ड्राइंग पड़ी थी लेआउट की ड्राइंग, मैंने वहाँ पर इसकी सारी मेजरमेंट बनाई है, इसलिए मैंने वहाँ पर मैंशन कर दिया। ये सिर्फ आपके आपको समझाने के लिए ये मैंने चीज़ लिखी है, वरना जब आप मई शीट बनाएंगे तो इस तरह की कोई चीज़ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब आते हैं जी, मैंने यहाँ पर देखे जी अब मैंने लिखा हुआ जी इन फाउंडेशन, ठीक है, और अब इसके अंदर मैंने दो डैड बनाए, देखिए एक फाउंडेशन के अंदर हो रही है टर्माइट प्रूफिंग और एक हो रही है अंडर फ्लोर के अंदर, ठीक है, अंडर फ्लोर हो रही है। अब इन दोनों को मैं अलग-अलग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने इसकी क्वान्टिटी ली है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ फ्रीज पेन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास मेजरमेंट्स वाली जो ऊपर हमारी मेन एडिटिंग वो हमारे सामने रहे ताकि काम करना आसान हो। यहाँ पर मैं इसको ये कर लिया, ठीक है। अब आती है जी, अब सबसे पहले मैंने लिखा जी इन फाउंडेशन फाउंडेशन बेड, यानी फाउंडेशन बेड से क्या मुराद है कि इस जगह पर, यानी कि जिस जगह पर हमारी एक्सवेशन हुई उसके बॉटम पर जहाँ जो टर्माइट प्रूफ होंगी पहले, सबसे पहले उसकी मैं मेजरमेंट शीट बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सामने शेयर भी कर देता हूँ, यहाँ पर इसके इस फुटिंग के अंदर ये देखिए इस जगह पर, ये बॉटम पे ये जितनी बॉटम बनेगी, यानी कि ये आपके सामने इमेज भी है, ये जो नीचे जो हमारी जगह बन रही पहले इसके ऊपर स्प्रे में ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिया जो हॉरिजॉन्टल वाल, जिस तरह मैंने एक्सवेशन ली उसी तरह से इसको भी मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाल के तौर पर इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते सबसे पहले आ जाते, ये हमारे पास फाउंडेशन का लेआउट पड़ा था, ये हमारे पास वाल बनती थी जी 63.25, ठीक है, ठीक है। ये इसको वाल को ले रहा हूँ, इसको मैं एक वाल कंसीडर कर रहा हूँ और ये वाली दूसरी वाल, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने 63.25 ये ले ली। अच्छा, और वेट्स इसकी कितनी थी, वेट्स हमें इसकी पता है कि हमारे पास सेक्शन था जो 9 इंच की वाल का जो सेक्शन था उसमें हमारे पास वेट्स आ रही थी 4 फीट, ठीक है, ये वाली 4 फीट। तो मैंने वही क्या किया, इस जगह पर आकर 4 फीट वो लिख दिया, ठीक है। ऐसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाल 4.25, ये कौन सी है, ये वाल है हमारे पास दोस्तों, वापस इस पर आ जाते हैं, ये 4.25 ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको कर रहे हैं, इसको मैंने 4.25 लिख दिया। और इसकी भी वेट्स, क्योंकि ये 9 इंच वाली वाल है इसलिए इसकी भी जो वेट्स है ब्रेथ है वो 4 फीट ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं उसको भी यहाँ पर शेयर कर दी, मैं इस वाल की बात कर रहा हूँ, ये वाली वाल, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये जो वाल है इसकी जो इसकी बॉटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी तीसरी वाल है जी हॉरिजॉन्टल वाल, ये है और उसको मैंने लिखी है 55 फीट, ये कौन सी वाली है, वापस शीट के ऊपर आते हैं, हमारी ये वाली वाल भी होगी, ये वाली वाल भी होगी, अब इस वाल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वाल, बल्कि ये मैंने ऊपर ही बनाया हुआ था इसका, यहाँ पर ये वाल हमारे पास थी 55 फीट, ठीक है, तो 55 फीट थी। तो वापस आ जाते हैं, अब मैंने हॉरिजॉन्टल वाल लेंथ इसकी 55 फीट होगी, ठीक है, और ऐसे जो विड्थ उसकी है वो 4 फीट ही रहेगी, ठीक है। तो लिहाजा इस ये चीज़ की क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास सामने। उसके बाद अगली वाल में लीजिए हॉरिजॉन्टल वाल में इसको कहा,
और इसकी लेंथ ली है 8.25, तो वो ये वाली है। ये जो हमारे पास आगे छोटा सा टक बना था, इसके बाद जो वाल अच्छी वाली 8.25, ये भी 9 इंच की वाल है, लिहाजा इसकी भी जो वेड्थ है या ब्रेथ है वो 4 फीट है, ठीक है। लिहाजा इसकी क्वान्टिटी जहाँ पर हमारे सामने आ गई है, वही प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया हुआ है मैंने सबके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये मैं अब ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि इससे पहले वाले जितने लेक्चर थे उनमें हमारी अच्छी तरह से चीज़ें बता चुका हूँ कि फार्मूला कैसे लगाना है और ऐसे कि लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का क्या मेथड है, फाउंडेशन लेआउट से कैसे निकालते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब आप उनको देखेंगे तो उम्मीद है कि इसमें अब इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, उसका मैंने देखे जी यहाँ पर ली है वर्टिकल वाल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले सारी हॉरिजॉन्टल वाल एक दफ़ा ले ली, ये हॉरिजॉन्टल आ रही थी, ये वाली हॉरिजॉन्टल आ रही थी, ये वाली वाल टोटल हॉरिजॉन्टल आ रही थी, मैंने इसको ले ली। अब उसके बाद मैं कहता हूँ वर्टिकल वाल ले लेते, ठीक है। अब वर्टिकल वाल में मैं इसको जो है वो राइट साइड से, मेरा काम करने का तरीका कार है राइट साइड से शुरू करता हूँ, तो आप कभी यानी कि आप अपना एक प्रॉपर तरीका बना ली ताकि जब भी काम करें उसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको इस चीज़ में किसी किसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ से राइट साइड से क्या लिया था वाल, ये यहाँ पर अच्छा 5 फीट है, ये 11.75, ठीक है। मैंने बल्कि इसको यहाँ इनको पहले ले लिया, एक देखिए ये हमारे पास बनती है जी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 वाले मैं यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ फुटिंग के अंदर, इमेज के अंदर भी, ये इन वाल्स की बात करें 1 2 3 4 5, मैं इन वाल की बात करूँ, ये जो वाइट बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है ये इसके अंदर अंदर जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो हमारे पास 5 बनती है, तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग के अंदर 5 लिख दिया, लेंथ के अंदर 11.75 हमारी लेंथ आ गई, ये देखिए आपके सामने इसकी मैंने लेंथ शो की हुई है। आप कैट से इसकी ले सकते हैं डायमेंशन, ठीक है, 11.75, और फिर विड्थ इसकी भी 4 फीट है, क्योंकि ये हमारे पास ये जो वाल है ये भी 9 इंच वाली वाल है, लिहाजा उसकी जो विड्थ है वो 4 फीट है। उसके बाद मैंने लिया जी 10 वर्टिकल वाल 10.4, ये कौन सी वाली वाल है, अब देखिए हमारी ये वाली वाल 5 होगी, सिर्फ ये वाली वाल रहेगी। मैं आ जाता हूँ वापस इसमें, इस वाल, ये वाल हमारी रह गई थी, क्योंकि ये वाल पूरी आ रही थी और ये वाली वाल छोटी वाली है, ठीक है। तो इसकी विड्थ की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास आती है जी कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी 10.42, यानी कि 10 फुट 5 इंच है, तो इसको जब हम फीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 10.42 लिखते हैं, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ शीट के ऊपर, यहाँ पर इसको 10.42 वर्टिकल वाल 10.42, और फिर इसकी जो है वो विड्थ 4 फीट आ गई, ठीक है, और ऐसे हमारे पास आ गई इसकी क्वान्टिटी आ गई। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ जी 4.5 इंच वाली वाल, यानी 4.5 इंच वाल, यानी कि अब मैंने क्योंकि बाकी तो सारे ही पता था, मैं ये एक वाल जो थी वो 4.5 इंच की थी, मैंने साथ मेंशन भी कर दिया, ठीक है। अब इस वाल के ऊपर आते हैं, ये कौन सी वाल है, ये वाली इस हिस्से के ऊपर जो हमारी एक्सवेशन हुई थी, उसका बॉटम के ऊपर हम टर्माइट प्रूफिंग करना चाहते हैं, तो इसकी लेंथ बनती है 5.42, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 5.42 लिख दी। अच्छा, वेट इसकी है 1.5, ये कैसे है, हम आ जाते हैं क्योंकि ये है 4.5 इंच वाली वाल, ठीक है। 9 इंच की वाल की विड्थ थी 4 फीट, जबकि ये 4.5 इंच वाली जो वाल हैं उनका हमारे पास कितना आता है जी, उसकी हमारे पास विड्थ आती है 1.50, लिहाजा इसलिए मैंने यहाँ पर इसको किया 1.50, ठीक है। तो ये 8.13 इसकी हमारे पास क्वान्टिटी आ गई। उसके बाद आ जाते हैं कॉलम फुटिंग, ठीक है, जो F1 थी हमारे पास, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो कॉलम फुटिंग की ये कॉलम फुटिंग का सेक्शन था, ये 4 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 6 इंच, यानी 4.5 बाय 4.5 की ये कॉलम है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं, ये 4.5 बाय 4.5 का कॉलम है, तो ये हमारे पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम आ जाते हैं शीट के ऊपर, नंबर के अंदर मैंने 7 लिख दिया, लेंथ विड्थ के अंदर 4.5 बाय 4.5 लिख दिया, और टोटल क्वान्टिटी हमारे पास आ गई 141.75, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई स्टेयर फुटिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर किसी जगह पे आपको स्टेयर फुटिंग की वो कुछ लेआउट में नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा देखिए, लेकिन यहाँ पर आपके सामने स्टेयर ऊपर जा रही, इसका मतलब इसकी फुटिंग होगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर इसकी यानी खुद ही ड्राइंग बनाकर आपके साथ शेयर कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ को मैंने खुद यानी कि इसको खुद इग्नोर इसलिए किया था कि आपको भी ये चीज़ समझ आ जाए कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ड्राइंगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि कभी कॉलम की कुछ डिटेल मिसिंग में होगी, जैसे यहाँ पर अब स्टेयर की जो फुटिंग है उसकी डिटेल कोई नहीं है, लेकिन हमें पता हो कि भाई उस पर उससे हम परेशान ना हो जाए कि अब नहीं है तो हम जो है वो हाथ रख के बैठ जाए कि भाई अब क्या होगा। मतलब क्या है कि हमें
यहाँ पर कुछ चीजें नहीं दी होगी तो हमने मुख्तलिफ सारी ड्राइंग को पढ़ के वहां से वो चीजें निकाल ली होती। अब देखिये यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आप जिसके अंदर जब स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर आएंगे तो देखिये यहाँ पर स्टेयर का सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन डिटेल ऑफ स्टेयर फाउंडेशन स्टेप्स। अब यहाँ पर ये 3.5 इसका वो बता रहा है कि हमारी स्टेयर यूं जा रही है और 3.5 फिर जो इसकी विड्थ है फाउंडेशन की, इस तरह का वो बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस कंस्ट्रक्शन से हमें पता लग गया है भाई इसके अंदर उसी तरह PCC या RCC हो रही है, उसकी जो है वो हमारे पास जो विड्थ है वो 3 फीट 6 इंच है, ठीक है। अब इसी तरह वापस आ जाते हैं प्लान के ऊपर। अब यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास जो इसकी हमारे पास जो टोटल जो स्टेप ऊपर जा रहे हैं उनकी जो टोटल है तो वो भी 3.5 फीट, इसका मतलब है ये फाउंडेशन 3.5 बाई 3.5 की है, ठीक है। यहाँ सेक्शन से हमें पता लग गया ये 3.5 है और यहाँ से आगे इसकी लेंथ का अंदाज़ा हो गया कि ये भी 3.5 है, ठीक है। यानी कि जो हमारा एक हमारी जो स्टेप ऊपर जा रहा है वो 3.5 फुट की लेंथ में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसकी फुटिंग भी 3.5 बाई 3.5 की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको 3.5 बाई 3.5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसी तरह अब ये हमारे पास जितना भी हमारे जो बॉटम है फाउंडेशन का जितने बॉटम है वो सारे का सारा उसके ऊपर स्प्रे उसकी क्वांटिटी हमारे पास निकल चुकी है, ठीक है। अब मैंने इसलिए ऊपर लिखा था इन फाउंडेशन फाउंडेशन बेड, जो बेड बन रहा था बेड के ऊपर जितना स्प्रे था वो हमारा पास आज। अब उसके बाद आगे आता है जी फाउंडेशन साइड्स, ठीक है, जो हमारे पास साइड्स बनती हैं, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मैंने किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये पहले बॉटम पे हो गया था, ठीक है। अब ये जो साइड्स हैं इन साइड के ऊपर जो स्प्रे होना है अब हम वो उसकी क्वान्टिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस शीट के ऊपर। अब देखें यहाँ पर मैंने फिर उसी तरह हॉरिजॉन्टल वॉल और वर्टिकल वॉल वाला मेथड यूज़ किया है। अब आ जाते हैं जी वापस हम कैड की ड्राइंग के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहले से इसको कर लिया था तो अब ये इस फाउंडेशन लेआउट का मैंने कोर कॉपी बनाकर अब इसके ऊपर मैंने साइड वाली वॉल की मेजरमेंट ले ली थी, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ यहाँ भी। अच्छा अब हमारे पास क्या था, ये हमारी पहले इस साइड पर हो रही है, ये वाली जो साइड है लॉन्ग वॉल की, ये वाली साइड जो है हम इसके ऊपर कर रहे हैं तो ये वही 63.25 ही है, लेकिन मैंने इसको दो ले लिया। जैसे ये वाली साइड है ये वाली, इसी तरह ये साइड भी वही है। अच्छा पहले हमने इसको 55 फीट लिया था, वो भी उस तरह करें तब भी सही है। और अगर हम पूरा ले लेते जैसे इसको और इसको हम एक पूरी लेंथ शामिल कर लेते हैं और ये वाला जो पीस छोटे वाला है और ये वाला, और जब इस वाले को पूरा ले लेंगे तो ये इधर आ जाएगी वाल पूरी लेंथ के साथ ऐड हो जाएगी, और जो ऊपर वाली वाल ये वाली ये दोनों मिलाकर ये वाली और ये वाली मिला के 63.25 ही बन जाएगी। लिहाजा मैंने क्या किया इसको 63.25 की दो ले ली, ठीक है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल वाल इसकी दो लिख के मैंने 63.25 की दो वाल ले ली, ठीक है, उसकी साइड आ गई। अच्छा अब हमारे पास एक सिचुएशन थी इसकी 3 फीट की हाइट में डेप्थ में हो रही थी, ठीक है। ये आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, ये हमारे पास था 3 फुट की, इनर सेल से नीचे 3 फुट एक्सवेशन हुई थी, ठीक है। यहाँ पर भी देखें ये तो खैर इसका एक्सवेशन लेवल और था, कॉलम का और 9 इंच की वाल का जो एक्सवेशन लेवल सेम था 3 फीट, तो ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 63.25 × 3 उसकी जो है वो डेप्थ थी, तो लिहाजा उसके साथ होकर ये हमारे पास लॉन्ग वाल वाली जो उसका स्प्रे जो है वो निकल आएगा उसका। इसी तरह उसके बाद आ रहा है जी हॉरिजॉन्टल वाल 3 लिए 4.25 की, ये कौन सी वाली है, लेआउट के ऊपर वापस आता हूँ। ये देखिए ये वाली 4.25, यानी एक ये वाली वाल, ठीक है, उसके बाद ये वाली वाल, उसके बाद ये वाली जो है साइड जो, ठीक है, ये वाली, तो इन तीनों को मैंने लिखा है जी 4.25, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगी 3 और 4.25 लेंथ होगी और 3 फुट, क्योंकि ये 9 इंच की वाल वाली उसकी फाउंडेशन है, लिहाजा उसकी जो डेप्थ थी वो 3 फुट थी, 3 फुट की डेप्थ में एक्सवेशन हुई थी, तो लिहाजा मैंने इसको 3 फुट ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, मैं थोड़ा सा वापस आ जाता हूँ इससे अपना फुटिंग की जो मैंने आपसे ड्राइंग शेयर की थी। देखिए अभी हमने कौन सी वाली वाल की, ये वाली, इसका ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली, इसको मैं 3 कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है 3, 4.25, 3। अच्छा आप नीचे देखें मैं साथ ही डिडक्शन कर रहा हूँ, ये चीज़ समझने वाली है, एक अच्छी तरह समझ लें इंशाल्लाह फिर, ताकि बाद में इसमें आपको किसी किस का मसला ना आए। अब मैं इसकी डिडक्शन कर रहा हूँ और डिडक्शन कर रहा हूँ -2, दो नंबर डिडक्शन कर रहा हूँ, 1.5 फीट लेंथ और 1 फीट इसकी हाइट, ये इसमें से डिडक्शन किस चीज़ की हो रही है इसको देखें।
फोटो के ऊपर आए तो देखें, क्योंकि हमने ली है इसकी ये वाली 4.25 वाल, इसकी ये लेंथ पूरी ले ली थी। यानी मैं आपके सामने ये पूरा इमेज आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.25 बन रहा है, ठीक है, मैंने इसको पूरा ले लिया। लेकिन ये जो बीच में ये वाली अगली वाल की जो ओपनिंग है ये, ठीक है, अब ये तो इसमें से लेस करनी, क्योंकि इसके ऊपर तो स्प्रे होने, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लिहाजा ये वाली इसमें से होगी माइनस, ये इसमें से होगी डिडक्शन। तो इस डिडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो डिडक्शन हमने जो यहाँ पर 4.5 इंच की वाल है उसकी जो डेप्थ है और जो विड्थ है वो इस वाल में से हमने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, ये 4.2 की थी, ले ली थी, अब हमने लेनी थी ये वाली, ठीक है। तो ये हमें पता है जी, इसका ये 4.5 इंच वाली वाल है, इसके सेक्शन पर आ जाए, ठीक है। तो ये इसके सेक्शन में क्या है, यहाँ पर NSL से नीचे 1 फीट है, यानी इसकी एक्सवेशन 1 फीट के लेवल पे थी और वेट इसकी 1.50 थी, लिहाजा मैंने क्या किया, तो मैट प्रूफिंग के अंदर आ जाए, डिडक्शन में 2 कर दी और 1.5 यानी 1.5 फीट लेंथ कर लें, 1 फीट इसकी जो डेप्थ कर लें, और वो करके इसमें से ये माइनस हो जाएगी, -3 SFT इसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, 2 क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास ये 2 बनती है, ठीक है, यहाँ से भी ये साइड भी ये वाला हिस्सा भी माइनस होगा और इधर भी ये ओपनिंग हो रही है ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से होगा, इसलिए इसको मैं 2 नंबर माइनस कर दिए। यानी ये जो मैंने डॉटेड किया हुआ है, ये जो डॉटेड किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी ये माइनस हो रहा है ये वाला, और इधर से ये माइनस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल वाल, मैंने लिया जी 3.75 की लेंथ और 3 फीट की इसकी जो है वो डेप्थ ली है। तो ये कौन सी वाली ली है, आ जाते हैं ड्राइंग के ऊपर। तो ये दोस्तों ये वाली आ गई, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये वाली जो साइड थी इसकी बात हो रही है 3.75, तो वो मैंने इसमें से माइनस कर दी, ठीक है, 2 ले ली, 3.75 माइनस नहीं, सॉरी, मैंने इसको अंदर ऐड कर दी, 2 × 3.75 × 3 फुट डेप्थ, क्योंकि ये 9 इंच वाल थी ज़्यादा, इसको टोटल क्वान्टिटी 2.50 आ गई, ठीक है। वो यहाँ पर जैसे ये वाली इस हिस्से पर और इस हिस्से पर सब ऐसे ही दोस्तों, पर आगे भी हमने ऐसे ही सारी की। उसके बाद मैंने 2 ले लिए 14.75 यानी 14 फुट 9 इंच की और 3 फुट की डेप्थ में, तो वो मेरे पास कौन से वाली है, ये वाली आ गई 14.75 की, 2 हो जाएगी ये और ये वाली, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आगे मैंने लिया जी 2 वाले लिए मैंने 9.75 की 3 फुट की डेप्थ में, ठीक है, वो ये वाली आ गई 9.75 की, 2 हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और इसी तरह ये 6.75 की, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 9.75 की 2 डेप्थ वही, 6.75 की 2 और डेप्थ वही आ गई, ठीक है। उसके बाद इस तरह हमारी जितनी हॉरिजॉन्टल वाल हैं वो दोस्तों, वो सारी हमारे पास क्या होगी, कि अब देखते हैं, देखें हॉरिजॉन्टल वाल में हमारी कोई चीज़ रही तो नहीं है, देख अब कोई चीज़ नहीं रही इसमें, ठीक है। जैसे हमने ये 2 ले ली थी, उसके बाद 4.25 वाली आ गई थी, इसी तरह फिर हमने उसके बाद 14.75 की 2 ले ली थी, 9.75 की 2, 6.75, अब उसके बाद आनी है, लेनी है हमने क्यों, वर्टिकल वाल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वर्टिकल वाल के ऊपर। अब ये वर्टिकल वाल तो मैंने यहाँ पर ली है जी, 2 वाल ली है पहले 10.42 की, ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, 10.42 की वाल, बल्कि 10.42 से पहले हमारे पास 19.75 यानी कि 19 फुट 9 इंच वाली वाल पहले आएगी, ठीक है। तो वो मैंने पहले ली हुई है, ये देखिए वर्टिकल वाल 2 वाले लिए 19.75 और डेप्थ उसकी 3 फीट ही है, ठीक है, तो वो ये आ गई। अच्छा, अब मैंने इसको क्या किया, पूरा ले लिया, जैसे हमने इस वाल को और इस वाल को पूरा ले लिया था, ये कंसीडर कर लिया था, अब ये वाला पीस बच गया था, तो ये पीस इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये लेंथ पूरी वही बन जाएगी 19 फुट 9 इंच की। तो लिहाजा मैंने क्या 19 फुट 9 इंच की एक वाल ये और एक साइड ये आ जाएगी, तो ये कितनी होगी, 19.75 2 × और 3 के साथ मल्टीप्लाई, टोटल आ गई 118.50, ठीक है। उसके बाद आ गई फिर वर्टिकल वाल 2 आ गई, ठीक है, इसमें 2 नंबरिंग है और 10.42 10.42 ये क्या है, ये देखिए इसमें अब ये वाली वाल, तो ये एक ये साइड आ गई एक ये साइड आ गई, ठीक है। तो मैंने इसको 2 ले ली, 10.42 की 2 वाल और 3 फुट की डेप्थ के साथ, ठीक है, क्योंकि ये 9 इंच वाली वाल ये, लिहाजा इसका सेक्शन में डेप्थ जो है वो 3 फीट ही है। अच्छा, अब देखिए इसके नीचे हो रही है डिडक्शन, तो जिस तरह हमने ऊपर इस इन दो हिस्सों की डिडक्शन की थी, ऐसे इनकी भी, क्यों कि हमने लिया जी 10.42 पूरी ले ली है, जबकि ये वाली जो हिस्सा है ये वाला,
ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, इसमें तो एक्सवेशन हुई हुई है, यहाँ से तो ओपनिंग है, लिहाजा जो है ये दोनों इसमें से क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। मैं आपके सामने फुटिंग का जो इमेज बनाया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं बात करूँ इसकी, देखो तो हमने इस वॉल को यहाँ से ले कर यहाँ तक पूरी लेंथ ले ली, ठीक है, लेकिन इस जगह पे तो ओपनिंग है, जैसे ये ओपनिंग है इस जगह, ये भी ओपनिंग है, यहाँ से यूँ ओपनिंग हो रही है, ठीक है, लिहाजा इस जगह पे स्प्रे तो नहीं हो रहा। अब मैंने क्या करना है, इस टोटल लेंथ में से ये वाला भी माइनस कर देना, ये भी, क्योंकि हमने दोनों ले रहे, लिहाजा ये दोनों तरफ से रिजेक्शन भी होगी। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर माइनस टू कर दिया, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी बनती है, लेंथ इसकी बनती है दोस्तों 4 फीट, ठीक है, क्योंकि ये 9 इंच की वॉल की जो फुटिंग थी उसकी लेंथ थी और ये उसकी विड्थ बनती थी, तो लिहाजा विड्थ 4 फीट ही थी, लिहाजा 4 फीट ये हो जाएगी और डेप्थ इसकी 3 फीट हो जाएगी, और ये इस तरह -24 में से डिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद आते हैं जी 4.5 इंच वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल मैंने लिखा साथ में मेंशन भाई, ये 4.5 इंच वाली वॉल है, वो वाली दोस्तों ये वाली है, ठीक है। तो ये कितनी है, एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो 5.42, तो 5.42 की दो वालें हो जाएंगी। और अच्छा, अब ये 4.5 इंच वाली वाल है, ठीक है, अब इसका सेक्शन देखें तो 4.5 इंच की वाल में सेक्शन जो है 1 फीट है, ठीक है, इसकी डेप्थ है, तो लिहाजा हमने इसके जो डेप्थ है उसकी 1 फीट लिख दी, तो इस तरह 10.84 जो है उसकी यहाँ पर हमारे पास क्वान्टिटी निकल आई। उसके बाद बात करते हैं वर्टिकल वाल, वो मैंने 8 नंबर लिए और 11.75 उसका जो टोटल लेंथ है और 3 फुट डेप्थ है, वो ये कौन सी वाली है, तो आते हैं वापस लेआउट के ऊपर। अब ये देखें वर्टिकल वॉल क्योंकि चल रही है हमारे पास, तो अब हमारे पास ये वाली रह गई थी क्योंकि हम ये कर चुके हैं, ये वाली वाले कर चुके हैं, अब रह गई ये वाली, तो ये बनती है जी 11.75, यानी 11 फुट 9 इंच इसकी बनती है लेंथ। अब इस तरह की देखें टोटल हमारे पास कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब हमारे पास ये 8 नंबर आते हैं इसके, तो मैंने 8 नंबरिंग लिख दी, नंबरिंग में 8 लिख दिया, 11.75 इसकी लेंथ लिख दी और 3 फुट की डेप्थ, क्योंकि ये 9 इंच वाली वाल है उसकी एक्सवेशन है 3 फुट की डेप्थ में, यह लिहाजा जो है अब इसकी टोटल क्वान्टिटी 282.00 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास वाल सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, कोई साइड हमारी बाकी नहीं रही। उसके बाद अब रह गए जी कॉलम, तो कॉलम के पहले हम बॉटम कर चुके थे, लिहाजा अब 4.5x4.5 का कॉलम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉलम फुटिंग के अंदर 7 हमारे टोटल कॉलम थे, ठीक है, 7 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉलम है। अच्छा, 4.5x4 को 4 दफ़ा जो अगर जमा किया जाए 18 बनता है, अच्छी तरह अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18 बनता है, ठीक है, यही चीज़ आ रही होती है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास उसकी टोटल जो पैरामीटर आ गया, ठीक है, वो 18 फीट बनता है, 3 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। अब टोटल क्वांटिटी क्या बन गई, 378.00, ठीक है, 378 जो है इसकी वो क्वांटिटी हमारे पास निकल आई। उसके बाद बात कर दीजिए स्टेयर फुटिंग की, ठीक है, तो स्टेयर फुटिंग का मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि इसके अंदर कोई इस तरह का हमारे पास ड्राइंग में हमें लेआउट में नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि इसका यह टिपिकल सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा सेक्शनल में इसकी वो डिटेल दी हुई है, तो हमें पता है जी ये 3.5 इसकी जो सेक्शन में विड्थ थी, और प्लान से हमने देखा कि इसकी लेंथ भी 3.5 ही बन रही थी, इस जगह से हमने देखा था कि ये 3.5 बन रही थी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, उसी तरह जैसे हमने कॉलम का पैरामीटर बनाया इसी तरह इसको भी किया, मैंने 3.5 यानी कि देखें 3.5 मल्टीप्लाई पे 4 कर दिया, तो चारों साइड्स के अंदर ऐड हो जाएगी, ये 14 बन गया, 14 फीट मल्टीप्लाई पे 1.5 इसकी क्या है जी, डेप्थ है एक्सीवेशन की, वो कैसे आई, अब देखें यहाँ पर हम सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, तो आप देखेंगे सेक्शन के अंदर स्टेयर का जो सेक्शन है FFL से नीचे 3 फीट हो रहा है, और हमें पता है जी जो हमारे पास FFL लेवल है वो कितना है, वो देखिए यहाँ से हमें ये 1.50, ठीक है, यानी 1 फुट 6 इंच है FFL और NSL का जो अपन में डिफरेंस है, यानी कि वो टोटल हमारे पास जो प्लेंथ लेवल वो 1 फीट 6 इंच आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस स्टेयर 3 फुट में से अगर वो 1.5 फुट निकाल दे, पीछे 1.5 फुट बचता, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर NSL लेवल से नीचे जो डेप्थ है वो एक्सवेशन हो रही है वो 1.5 फुट हो रही है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.5 फीट, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई 21 CFT। अच्छा, दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ SFT की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ यूनिट मेरे जो है वो से गलत लिखे हुए,
इसको एसएफटी करें, यहाँ पर इसको एसएफटी करते हैं, ये एसएफटी क्योंकि हमारे पास टर्माइट प्रूफिंग है, इसका यूनिट जो है वो एसएफटी में चल रहा है, ठीक है, किसी और जगह भी देख, किसी और गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सारा एसएफटी हो गया। अच्छा, अब हमारे पास स्टेयर फुटिंग भी होगी, ठीक है। उसके बाद देखें, मैंने पहले ऐड बनाया था इन फाउंडेशन, और फाउंडेशन की बेड भी कर ली थी, फाउंडेशन की साइड भी हो चुकी थी। अब मैंने दूसरा ऐड बनाया जी अंडर फ्लोर, ठीक है। अब अंडर फ्लोर में क्या है कि जिस जो रूम्स वगैरह हमारे पास हैं, जो जहाँ जहाँ हमारे फ्लोरिंग होनी है उसके नीचे हमने सब करना है। तो जैसे जैसे पहले यहाँ पे स्टाफ रूम है, तो मैंने क्योंकि राइट हैंड से शुरू किया, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास टॉयलेट्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉयलेट्स, दो टॉयलेट्स हैं हमारे पास, और 3.5x8 फुट 8 इंच के, ठीक है। तो 3.5x8 फुट 8 इंच को करें तो वो बन गया 8.67 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दो टॉयलेट्स हैं, ठीक है। तो दो मैंने नंबरिंग में दो लिख दिया। अब टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई 60.69, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉबी आ गई, तो लॉबी ये आ गई, ठीक है। तो ये है जी 7.5x5 की, तो मैंने लॉबी के अंदर लिख दिया 7.5x5, और उसकी क्वांटिटी 37.50 आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने किचन को लिया, किचन के जो फ्लोरिंग है, जब हम फ्लोरिंग उससे पहले स्प्रे करेंगे तो उसकी क्वांटिटी वो ले रहा हूँ 7। ये हमारे पास 7.5x15 है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इसकी जगह 7 लेंथ के अंदर 7 आ गया, और ब्रेथ के अंदर 15 आ गया, टोटल क्वांटिटी 105 आ गई, जो नंबरिंग में एक ही है। उसके बाद डाइनिंग हॉल मैंने यहाँ पे किया है, ये देखिए इसका 18x15 का डाइनिंग हॉल है, ठीक है। तो वापस आकर डाइनिंग हॉल के अंदर 18x15 और जब इसको फार्मूला लगा तो ये 270 इसकी क्वान्टिटी हमारे पास आ गई है 50 में, ठीक है। उसके बाद स्टेयर हॉल हो रहा है, तो ये हमारे पास स्टेयर हॉल था, इसकी जो लेंथ बनती है ये पहली जो हमारे पास ये 13 फुट इसकी विड्थ में आ रहा है, और 15 फुट 9 इंच इसकी जो हमारे पास लंबाई आ रही है, ठीक है। तो मैंने स्टेयर, अब इसको मैंने क्योंकि ये अगर आप, मैं आपको सामने डायमेंशन लगा के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है 13 फीट, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 15 फुट 9 इंच में कहाँ से ले रहा हूँ इसको, यहाँ से, क्योंकि ये टोटल बाहर तक आना है, ठीक है। क्योंकि कमरों के अंदर ये वाल के अंदर अंदर और था लिहाजा 15 फीट से ले जाए, यहाँ पर ये वाल नहीं है ये, बल्कि जो हमारे पास बीम आ रहा है, ठीक है, जो लिंटल लेवल के ऊपर बीम चल रहा है, तो ये इसलिए डायरेक्ट में शोर है, लिहाजा ये बाहर तक इसकी हम पे मैच ले रहे हैं वो 15 फुट 9 इंच बनती है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, 13x15.75 कर दिया, तो हमारे पास टोटल क्वान्टिटी 204.75 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिडक्शन ऑफ स्टेयर फुटिंग, तो डिडक्शन ऑफ स्टेयर फुटिंग क्या जी, ये यहाँ पर इस जगह पर वो हमारे पास जो है वो स्टेयर की फुटिंग आ रही थी, वो जो उसका स्टीम था पेडेस्टल वो बाहर आ रहा था, लिहाजा वो इसके अंदर से लेस होगा। अच्छा, अगर आपको ये, क्योंकि मैं इससे इंशाल्लाह जो अगली वीडियो वो अपलोड करूँगा उसके अंदर मैंने ये मास्टर प्रोजेक्ट की जो हमारे पास एक्चुअल इमेज बढ़ी है वो आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको इंशाल्लाह ये ड्राइंग के और कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही या कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, जब आप उन इमेज वगैरह को देखेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, डिडक्शन ऑफ स्टेयर फुटिंग कर ली, -1 कर दिया, 3.5 फीट की जो वो अपनी लेंथ बनती थी, ठीक है, मैंने वही कर दी, और 1 फीट उसकी विड्थ बनती थी, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर आते हैं, ये देखिए 1 फीट इसका विड्थ थी, ये जो हमारा पेडेस्टल था बना हुआ जिसके ऊपर हमारी स्टेयर चल स्टे करती है, तो ये 1 फीट इसकी विड्थ, वो मैंने उसमें से लेस कर दी, ठीक है। तो इस तरह 3.5 जो है वो स्क्वायर फीट इसी से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह उसके बाद स्टाफ रूम आ रहा है, ठीक है, स्टाफ रूम आ गया हमारे पास ये 10x15 का, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा जी, स्टाफ रूम 10x15, इसकी टोटल क्वान्टिटी 150, 150 स्क्वायर फुट इसका निकला है एरिया। उसके बाद जी वरांडा थी वो 60x5 का, ये देखिए ये वरांडा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 फीट हो गया, और 5 फीट इसकी विड्थ होगी, ये मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर दी 60x5, ठीक है। उसके बाद इसकी टोटल क्वान्टिटी 300 स्क्वायर फीट आ गई। उसके बाद डिडक्शन ऑफ कॉलम, तो देखें यहाँ पर क्योंकि हमने 5 फीट लिया यहाँ से लेकर, ये देखें पूरा आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो कॉलम वाली पीस है ये इसके अंदर से माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखें, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ इंजीनियर से, मैं इसके अंदर बाद इस तरह की छोटी चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए डिटेल के साथ हर चीज़ बनवा रहा हूँ आपसे, ताकि कल जब हम IPC करेंगे तो उस वक्त एक चीज़ को देखा जाता है, एक छोटी छोटी डिडक्शन को किया जाता है, ताकि हमें एक ही इंजीनियर स्मेट बनाए तो उसमें हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर, जो हर तक हमें कल IPC बनाए तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना आए, ठीक है। तो अब इसमें इसलिए जो 7 कॉलम हमारे होंगे वह 9x9 इंच के,
ठीक है, साइज सबको सेम है। तो मैंने -7 नंबर के अंदर लिख दिया, 0.75 0.75 लेंथ बराबर इसकी आ गई। अब ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये रेड में शो हो रहा है कि ये चीज़ माइनस हो रही है। ठीक है, अब देखिए जितनी डायरेक्शन है वो यहाँ पर, इसको भी मैं कर देता हूँ, इस वाला कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि ये हमारी डायरेक्शन हो रही। ठीक है, तो इस तरह जो है आप भी इसको इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो अंडर फ्लोर जितना था वरांडा, अब टोटल हमारे पास जो क्वान्टिटी आ गई है वो दोस्तों टोटल क्वान्टिटी हमारे पास 3555 आ गई है। अब देखें, मैंने अब शुरू में एक बात की थी कि या तो कवर्ड एरिया, वहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन अंदर मेंशन है अगर कि भाई कवर्ड एरिया के हिसाब से आपको रेट पे किया, तब आपने हमने क्या करना है, सिंपल 60 × 20 फुट जो प्लाट की जितनी वो है बिल्डिंग का जो प्लेंथ एरिया है, ठीक है, या कवर्ड एरिया की बात कर ली जो होगा उसके साथ। लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो अब हमने जितना स्प्रे होना है, साइड लेंगे, बॉटम लेंगे, फ्लोर के नीचे जितनी चीज़ें होंगी तो वो सारी अब इसमें ले लेंगे। दूसरी सूरत में क्या होगा, अगर कवर्ड एरिया हो तो तब हमने रेट में वो सारा उसकी कसर को पूरा करना था, यानी कि उस हिसाब से रेट कोट करना था ताकि हमारी जितनी, अब देखें ना 1250 स्क्वायर फीट अगर कवर्ड एरिया और जहाँ पर जो एक्चुअल क्वान्टिटी है वो 3555 निकल रही है, अब कितना बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब ये जो अमाउंट वाला फ़र्क होगा वो हमने रेट एनालिसिस में रेट ज़्यादा करना होगा, तब जाके कवर्ड एरिया के ऊपर वो चीज़ मैच करेगी। अब जब कवर्ड एरिया कोई चक्कर नहीं होगा, इसका मतलब जितनी एक्चुअल क्वांटिटी हम स्प्रे हमने करना है उतनी क्वांटिटी ले ली है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो अब ये देखें ये जितनी चीज़ें मैंने कर ली। अच्छा, यहाँ पर आप देखें अगर हमारे पास लेआउट नहीं है, ये फाउंडेशन का लेआउट हमारे पास नहीं पड़ा, ठीक है, तो तब हमने क्या करना है, इसको वही शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल वाला मैथड जो कि इससे पहले मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ उसी तरह करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ जी हमारे पास लेआउट इसका कोई चक्कर है ही नहीं, हमारे पास लेआउट की ड्राइंग है ही नहीं, तो आप दो सूरत हमें उसमें क्या, अगर नहीं है तो बना लेंगे, अगर वो टाइम नहीं है बनाने का, बनाना आती नहीं है या ड्राइंग बड़ी है उसमें बनाने वाला मसला यानी कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल मेथड से कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास सिर्फ यही प्लान पर देखें तो मैंने कहा था ये हमारे पास जैसे ये वाल हमने पहले की थी ये बनती है जी 60 फीट। ठीक है, अब इसके वापस आ जाएं इसके ऊपर, तो मैंने कहा था कि हमने क्या करना है, सिंपल जैसे ये सारी 9 इंच वाली वाल थी तो 4 में से 9 इंच निकाल दें, पीछे 3.25 बच जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से स्टेप जो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे लॉन्ग वाल के तौर पे। ठीक है, इस वाल के अंदर तो ये क्या बनेगा, जब 60 के अंदर, इसके अंदर 60 के अंदर 3.25 ऐड करेंगे तो आपके सामने जो है वो ऑटोमेटिकली 63.25 आ जाएगा। यानी हम इसी को लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड के जरिए कर सकते हैं, जब लेआउट ना हो तो हम प्लान के अंदर से लॉन्ग वाल शॉर्ट वाले मेथड। जैसे अब ये 4.25 है तो ये क्या था, ये बेसिकली ये वाली वाल थी 7 पॉइंट, इसकी असल लेंथ थी 7.50। ठीक है, अब ये शॉर्ट वाल बनी थी क्योंकि इस वाले वाल के स्टेप इसके अंदर आ रहे थे, इधर से इस वाले वाल के स्टेप अंदर आ रहे थे, दोनों तरफ से माइनस होना था, तो जो हमने लॉन्ग वाल में 3.25 ऐड कर रहे थे वही 3.25 इसके अंदर से माइनस करेंगे, जब 7.5 में से 3.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 4.25 बच जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इधर आ जाएगी। तो अब ये सारी अगर लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड के लिए करेंगे तो यही चीज़ आएगी, और लेआउट में जैसे दिया होता तब भी यही हो सकता है, दोनों मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी जो आज की वीडियो जो पसंद आई होगी, आपकी जो है कम अज़ कम टर्माइट प्रूफिंग में रिलेटेड जितने कैसे वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है वो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी जितनी वीडियोज़ वो आप तक पहुँचती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।